वो मर्यादा के साथ चले, और हर चीज के पीछे एक लॉजिक था उन्होंने क्यों करा। हर समय उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना। G20 की समिट के प्लेटफॉर्म ने दुनिया को यह बताया है कि इंडिया कैसे दुनिया की एक लीडिंग पावर बन चुका है। इंडिया को आज ईद मनाने की जरूरत है। पहली कामयाबी G20 का अजलास उन्होंने करवाया, दूसरा वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने जा रहा है, बनने जा रहा नहीं बन गया हुआ है, तय करें आप, लिख लें। इस G20 की आज की जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस जो अनाउंसमेंट है वो मैं समझता हूँ ये है कि भारत इज वेरी गेटिंग वेरी क्लोज इंचेस अवे फ्रॉम द गेटिंग परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। मैं सबसे बड़ी न्यूज तो मैं समझता हूँ ये। और इंडिया ने इस G20 की समिट में ये पिच किया है, दुनिया को बताया है कि अगले चंद सालों में ये मुल्क भारत कहां पर पहुंचेगा। जो मुझे सबसे ज्यादा चीज जिसने स्ट्राइक किया है वो ये है कि आज जो अमेरिकन मीडिया है वो सबसे ज्यादा आज जो यहाँ पे खबर चल रही है कि अमेरिका हैज ऑलरेडी गिवन देयर गो अहेड फॉर द सीट फॉर इंडिया इन अ परमानेंट सीट इन अ सिक्योरिटी काउंसिल। कि इस वक्त चाइना को लेने के देने पड़ गए हैं, चाइना ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि अब क्या किया जाए। इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के जरिए अपने हरीफ कंट्रीज को मात दे दी है। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये अचीवमेंट भारत को इसका क्रेडिट जाता है, मोदी जी को क्रेडिट जाता है। इंडिया यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। सर नहीं बनेगा, हम नहीं बनने देंगे। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट सीट दिए जाने का समर्थन कर दिया है। इस साल की शुरुआत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा के दौरान जहां तक रिश्ते आगे बढ़े थे उसके आगे द्विपक्षीय संबंधों की रफ्तार को बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सहमत हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अमेरिका की दौरे के दौरान डिफेंस और टेक्नोलॉजी में साझेदारी में ऐतिहासिक डील साइन की गई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मुलाकात में जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट दिए जाने को लेकर समर्थन दोहराया और G20 में भारत की अध्यक्षता की तारीफ की। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भारत को यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी का स्थायी सदस्य बनते देख जला भुना बैठा है और वो ये चर्चा कर रहा है कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन भारत को यूएन का स्थायी सदस्य बनना ही नहीं देंगे। तार साहब आज कहां से बात शुरू करें, आज तो ये हमारे पड़ोस भारत के अंदर एक बहुत बड़ा डिप्लोमेसी का दिन था, बल्कि सिर्फ पड़ोस में नहीं जिसने पूरी दुनिया को बड़ा इम्पैक्ट किया है। जारी बात है साउथ एशिया को, वेस्ट एशिया को, यूरोप को, मिडल ईस्ट को, इवन के अमेरिकास को भी। तार साहब कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी की, जो पहले तो ये कहा जा रहा था कि वो कंसेंसस डेवलप नहीं कर पाएंगे लेकिन एक कंसेंसस ड्राफ्ट जो है वो भी जो रेजोल्यूशन है वो भी अप्रूव हो गया और उसके बाद हमने देखा कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में एक नया जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है, इससे पहले भी एक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से इन्होंने एक दफा कोशिश की थी लेकिन उसमें नाकाम हो गए। आप कैसे देखते हैं, क्या अमेरिकी सदर जो बाइडेन नरेंद्र मोदी साहब चाइना के मुकाबले में ये जो कॉरिडोर लेके आए हैं इसको कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान भी दोबारा वेस्टर्न ब्लॉक में आ जाएंगे? सर व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सीमा साहब मैं समझता हूँ इट्स अ रिमार्केबल इवेंट टुडे, जो जिस तरीके से चीजें आज सामने नजर आ रही हैं डिप्लोमेसी, बल्कि इस डिप्लोमेसी को नया नाम दिया जा रहा है मोदी डिप्लोमेसी, मोस्ट डिप्लोमेसी इसको कहा जा रहा है, नया नाम है, और इंडिया वे इसको नाम दिया जा रहा है जिस तरह कहा जाता है अमेरिकन वे और चाइनीज वे, सो इंडिया वे। तो मैं जो इस पे बात करना चाहूंगा कि आज हो क्या रहा है भारत के अंदर इस वक्त, जो मुझे सबसे ज्यादा चीज जिसने स्ट्राइक किया है वो ये है कि आज जो अमेरिकन मीडिया है वो सबसे ज्यादा आज जो यहाँ पे खबर चल रही है कि अमेरिका हैज ऑलरेडी गिवन देयर गो अहेड फॉर द सीट फॉर इंडिया इन अ परमानेंट सीट इन अ सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी सपोर्ट उन्होंने दे दी है। अब पता नहीं हाउ द चाइना एंड रशिया इज गोइंग टू बिहेव। इस G20 की आज की जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस जो अनाउंसमेंट है वो मैं समझता हूँ यह है कि भारत इज वेरी गेटिंग वेरी क्लोज इंचेज अवे from the getting a permanent seat in United Nations Security Council. मैं इस सबसे बड़ी न्यूज़ तो मैं समझता हूँ ये, जो एक भारत की ख्वाहिश थी जिसके लिए उन्होंने इतनी कंपेन चलाई, जिसके बाद जिसके लिए मोदी साहब अमेरिका आए, फ्रांस गए, उसके बाद ग्रीस गए, UAE गए, जकार्ता गए, और जो एक नए ब्लॉक में जिस तरीके से वो अपने आप को प्रमोट करते रहे, भारत को प्रमोट करते रहे, मैं समझता हूँ दिस इज एक्सट्रीम ऑफ इट, और जिसकी वजह से उन्होंने वो जो उनका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था उसके हाउ क्लोज they are getting to that. उसकी एक तो सबसे बड़ी आज सिग्निफिकेंस मैं ये समझता हूँ वो है। दूसरा आज जो ये हुआ बिलखसूस जो
इस G20 को अंडरमाइन करने के लिए चाइना के प्रीमियर नहीं आए, सदर नहीं आए, उसके बाद पुतिन नहीं आए। मोदी जी का 9 घंटे के लिए ट्रिप जकार्ता लगाना, वहां पे जाके मैरीटाइम रूल्स की बात करना, वहां जाके साउथ चाइना सी की बात करना, दर हकीकत वो डायरेक्ट अटैक था ऑन द चाइना और वेस्टर्न जो एजेंडा था वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, वेस्टर्न कंट्रीज का, उसको प्रमोट करना, वो उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से उसको इस्तेमाल किया, फिर वापस आए। आपने जिस तरह फरमाया कि मोहम्मद बिन सलमान सोचने पर मजबूर हो गया है कि आई शुड आइदर गो विद द चाइनीज कैंप और आई शुड रिमेन विद द वेस्टर्न कंट्रीज। मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये अचीवमेंट भारत को इसका क्रेडिट जाता है, मोदी जी को क्रेडिट जाता है, हु हैज सेट द टोन फॉर दैट। उसके बाद में दूसरा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का था, उसको जिस तरीके से काउंटर करने की कोशिश की गई है कि भारत से किस तरीके से शिपमेंट जाएगा, जो मैं बात करना चाह रहा था, एक तो मैंने शायद आपको पहले बताया था पिछले सेगमेंट में कि इसका जो 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 इसका एक एजेंडा था G20 का, एक तो ग्लोबल साउथ के बारे में, ग्लोबल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट नीड्स ऑफ ग्लोबल साउथ, और मैं समझता हूँ उसमें बड़े सक्सेसफुली मोदी साहब ने जो किया है, भारत कर रहा था, कि इसमें फ्रेट के कास्ट को किस तरह कम किया जाएगा और किस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर किया जाए, और उस तरीके से अब उनका जो प्लान था, वो प्लान जो उन्होंने बनाया है कि यहां से शिपमेंट दुबई जाएगी और दुबई से ट्रेन के जरिए वो आगे यूरोप में जाएगी। तो उन्होंने क्लियरली एक पाथ दे दिया है विच इज काउंटर टू द BRI। अब BRI की कमजोरियां क्या है, मैं वो भी उनको भी मेंशन करना चाहूंगा। एक तो BRI को समझा जाता है कि डेट ट्रैप है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, जिसकी मिसाल आपके सामने श्रीलंका की मिसाल मौजूद है कि उनका एक डेट ट्रैप था जिसके अंदर वो फंसे और बैंकरप्सी तक चले गए। अब दूसरा विक्टिम सामने पाकिस्तान नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को मैं विक्टिम समझूं या बेनिफिशियरी समझूं, उन्होंने जो 26 करोड़ बिलियन डॉलर के वीजे खरीद लिए, पाकिस्तानियों से डील करना इतना आसान थोड़ी है, वो देखें, वो तो चाइनीज देखेंगे कि फ्यूचर में आइदर इट वाज अ गुड डिसीजन और बैड डिसीजन, लेकिन वो फंस गए बेचारे वहां पे। बलोचिस्तानी जो है वो, हमारे बलोच भाई जो है वो अलग अपना हिस्सा मांग रहे हैं, पंजाबी भाई अपना हिस्सा मांग रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी अपना हिस्सा मांगती है, लेकिन ये कि चाइना पता नहीं वहां से किस तरह निकलता है BRI के चक्कर में। अगली बात जो करना चाहूंगा, इटली निकलना चाह रहा है उसमें से। इंडिया को आज ईद मनाने की जरूरत है। पहली कामयाबी G20 का इजलास उन्होंने करवाया, दूसरा वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन गया हुआ है। तय करें, आप लिख लें, आप रखें अपने पास पॉइंट आउट करके। देखें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना कोई आम बात नहीं है, हमारी वो औकात नहीं है कि हम G20 या किसी और समिट के लिए हम यहाँ बुलाएं, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए हमने यहाँ बुलाया, वो आगे अच्छी बात है और होने चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। G20 का समिट आपका इंडिया में हो रहा है, जहाँ आपके जो बाइडन जैसे लाइक उम्र रसीदा प्रेसिडेंट वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, वो बाय बाय भी कर रहे हैं, आके बैठे लाइक जो सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, सुपर पावर प्रेसिडेंट है, वो आके आपके लैंड पे आके वो बात कर रहा है। तो आप सोचें कुछ देर के लिए कि आपका सॉफ्ट इमेज कहाँ जाएगा। इंडिया पर कोई भी मेली आंख से देखेगा, पूरे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी वहाँ पे मेंबर्स हैं, सब उसके साथ उसका साथ देंगे, नंबर वन। नंबर टू, आपके इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस का जो चीफ जस्टिस होता है, उसकी तैनाती में इंडिया अपना रोल प्ले कर